इस गर्जुन के अंदर चलते हैं हम। अगर आपको केव का एक्सपीरियंस हिमाचल में करना है, आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और गुफा है, यहाँ पर भी हम मंदिर जाएंगे। सभी भक्तों को जय सिया राम। मैं कैप्टन सुभाष चंद, गांव बदेड़, लहरधार मंदिर के जो कैलाश पर्वत की छोटी सी श्रृंखला है वहाँ पर एक जो आज आप देख पाएंगे एक मंदिर की स्थापना हुई है। यहाँ पर लगभग सभी देवताओं का वास है और ये पवित्र पावन स्थान जो आज लहरधार में बना हुआ है वो एक हमारे सनातन धर्म के सभी देवताएं यहाँ पर विस्थापित हैं और बहुत से लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना रखते हैं। इस मंदिर की स्थापना सन 1962 में हमारे ताया श्री श्रवण कुमार जी जो आर्मी में थे उन्होंने चाइना की लड़ाई के बाद यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के छोटे से मंदिर की वहाँ ऊपर पहाड़ी में स्थापना की थी। उसके बाद हमारे छोटे चाचा जो भी आर्मी में थे अमर सिंह उन्होंने उसके बरामदे का निर्माण किया और एक छोटे से मंदिर जो आज आप देख पा रहे हैं एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो हम इस मंदिर में जो भी चीज़ें हैं वो एक प्राकृतिक तौर पर ही बनी हुई हैं, इसमें किसी भी मिस्त्री का काम नहीं हुआ है। ये हमारे गरहट्टी परिवार के मेरा और मेरे भाई का इसमें पूरा सहयोग रहा है। हम दोनों ने इस मंदिर में बिना किसी कंट्रीब्यूशन के इस मंदिर की स्थापना की है और ये जितनी भी गुफाएं हैं वो मैंने स्वयं अपने दिमाग और अपने हाथों से बनाई हैं। जबकि मैं सेना में एक फौजी होने के नाते मेरा ये कोई जॉब नहीं था, लेकिन मैंने एक देशभक्ति से और एक अपने देश को हिंदुस्तान मानते हुए एक अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी को एक सिस्टमेटिक यानी एक तरीके से जोड़ा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच आज हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं जिसे देखकर आपको एकदम मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज इनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की संस्कृति के बारे में। तो ये क्या चीज़ है? ये सर्वप्रथम इस पवित्र पावन स्थान में गर्भजून प्रवेश द्वार है जो कि हमारे सनातन धर्म में गर्भजून यानी पूरी सृष्टि की जो संरचना है वो एक गर्भजून से हुई है। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं इसमें गर्भजून यहाँ से अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद माता जी के दर्शन करके और सामने आप निकास द्वार देख रहे हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत अच्छा है और वहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी इनको मैं अनुरोध करूँगा कि वो गुफा में जाकर अंदर दर्शन करके। तो चलिए दोस्तों अब इस गर्भजून के अंदर चलते हैं, हम देखते हैं अंदर कैसा व्यू हमें देखने को मिलता है। इस गुफा को पूरा खुद से बनाया गया है इनके द्वारा और काफी शानदार नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सी मूर्तियां देखने को मिलती हैं।
आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और गुफा है, तो यहाँ पर भी हम अंदर जाके देखते हैं कि और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सारी गुफाओं का निर्माण इन्होंने खुद किया है, तो थोड़ा इनसे ही जानते हैं कि कैसे इन्होंने इन गुफा को बनाया और किस किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अभी आप ये जो दूसरे वाली गुफा देख रहे हैं ये पार्वती कुंड प्रवेश द्वार है और ये गुफा लगभग 150 मीटर है और ये यहाँ से घुसते हैं और पाली तरफ को निकास द्वार से बाहर आ जाते हैं। इस गुफा को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में और हमारे सनातन धर्म में गणेश की पूजा की जाती है, तो गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई इसके लिए बहुत से प्रश्न उठते हैं। तो गणेश की उत्पत्ति के लिए आपको यहाँ पर उसका पूरा जो कहानी है और पूरा उसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखी गई है। तो इसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब पार्वती अपने इस पार्वती कुंड के अंदर नहाने के लिए जाती थी, जो अंदर एक कुंड है, तो उन्होंने जाने के बाद क्या किया, एक अपने पहरारी को बाहर खड़ा कर दिया। तो आप देख पाएंगे ये पहरारी थे जो उन्होंने अपने बदन के उस मैल से इसको तैयार करके स्वयं खड़ा कर गए। लेकिन शिवजी जी को ये मालूम नहीं था, जब शिवजी जी आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो शिवजी जी का इनके साथ युद्ध हो जाता है। तो अंत में इनकी लड़ाई के बाद शिवजी इनका इनको धड़ से इनका सिर अलग कर देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। जब पार्वती अंदर से आती है तो पार्वती बहुत गुस्सा होती है और भोले शंकर को एक शर्त बोलती है कि मुझे अपने पुत्र को जिंदा करना है, इनको जिंदा करने के लिए मुझे नहीं मालूम आप किस कैसे इनको जिंदा करेंगे। तो भोले शंकर ने उनकी बात को मानते हुए उन्होंने अपने गणों को भेजा और गणों को बोला कि जो भी प्राणी पृथ्वी में जो छोटा बच्चा हो और वो उसका सिर दक्षिण की तरफ हो और वो बच्चा माँ के पेट के पीछे हो। तो ऐसे करके उन गणों ने जा करके पूरी पृथ्वी में गए, उनमें एक जंगल में जाके जब उन्होंने देखा तो एक हाथी हाथन जो है अपने बच्चे दिए हुए थे, गलती से एक बच्चा उनके पीठ के पीछे पड़ा हुआ था। जब वो पीठ के पीछे पड़ा था तो उन्होंने उसका सिर काट कर शिवजी के आदेश के अनुसार लेकर आए और उसके आने के बाद उन्होंने उस गणेश जी के उत्पत्ति के लिए उनका सिर उसके ऊपर लगा दिया। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है और गणेश की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई थी। ये आप को यहाँ पर मगरमच्छ और ये कछुआ जी हैं, तो इनको हमारे जो गुजरात में और कई जगह हमारे धर्म में कोड़ियार माता इसके ऊपर सवार रहती है। जैसे हर एक देवता की अपनी अपनी सवारी होती है, जैसे गणेश की मूसे की सवारी है, शिव जी नंदी की सवारी में है और माता शेर की सवारी में है, ऐसे एक कोड़ियार माता होती है जो मगरमच्छ के ऊपर सवार रहती है। तो उनके लिए भी एक यहाँ पर हमने माता के दर्शनों के लिए भी यहाँ पर एक मगरमच्छ और बच्चों के लिए भी एक वो आकर्षण का केंद्र बनाया ताकि बच्चे इसको देखकर और छोटे बच्चों का दिल इसमें बहल जाए। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस मंदिर में और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर माता जी का मंदिर है,
थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये माता जो हमारे नवरात्रों के अंदर नौ देवियों की पूजा होती है, तो नवदुर्गों में यहाँ पर एक बड़े विशाल भंडारे का आयोजन होता है और नौ दिन पर यहाँ देवियों की पूजा होती है। जैसे हमारे नौ देवी हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुसमुंडा, ब्रह्मचारिणी, सभी माताओं की यहाँ पर समय समय पर दिन नौ दिनों में यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन होता है। और ये जो बाहर आप देख पा रहे हैं, ये माता के सवारी है, जिसको हम शेर सवारी माता बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है शेर उनकी सवारी के लिए बाहर हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और ये हमारे कैलाश पर्वत के छोटी सी श्रृंखला लैंडधार, जो यहाँ पर कि शिव परिवार भोले शंकर ही ने पूरी तपस्या ही कैलाश पर्वत में की थी, तो कैलाश पर्वत की धौलाधार की छोटी सी श्रृंखला लैंडधार है, जहाँ पर शिव का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। आप देखेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग हैं, नाग देवता हैं, नंदी बैल हैं, शिव और उनके प्रिय बेटे गणेश जी भी इनके साथ बैठे हुए हैं, और इनके दूसरे पुत्र कार्तिक जो हमारे उनकी पूजा साउथ भारत में की जाती है, उनका यहाँ पर स्थान नहीं है, लेकिन उनका जो दर्शन के लिए अगर आप चाहें भी तो कार्तिक भगवान के दर्शन के लिए आपको दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा, यहाँ पर उनका मंदिर की स्थापना नहीं हुई है। ये अभी आप देख पा रहे हैं, ये शिरडी के साईं बाबा, जो लोग शिरडी के दर्शन के लिए दूर दूर तक जाते हैं, और वहाँ जाने पर कई ट्रेनों में, कई बसों में, कई जगह जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई इलाकों में बाढ़ आती है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमने इन मंदिरों का निर्माण इसलिए किया है कि लोग दूर दराज ना जाएँ और यहीं पर दर्शन करके, अपने जो है दर्शन करके और अपने मनोकामना की प्रार्थना यहाँ पर करें। ये आप देख पाएंगे, ये गुग्गा का मंदिर है, जो कि जहरवीर गुग्गा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका मंदिर सलो में भी है और भारत के बहुत सी जगह में गुग्गा को जो मानते हैं उनके गुग्गा के बहुत जगह स्थान बने हुए हैं। लेकिन गुग्गा का जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था, और राजस्थान मैड़ी जगह में वहाँ पर उनका अभी भी बहुत भव्य मेले लगते हैं, और मेलों में जहाँ जहाँ भी इनके भक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि गुग्गा जो हैं एक शेषनाग अवतारी थे, और उन्होंने जो है शेषनाग इनके साथ रहते थे, जिनको भी कभी सांप या कहीं किसी तरीके की कोई घटना हो जाती है तो गुग्गा देवता उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इनकी दया दृष्टि उन पर बनी रहती है, और बहुत से लोग इसको नाग देवता यानी शेषनाग के रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। अभी आप देखेंगे इनका जो है इच्छाधारी नाग, यानी या आप देख पाएंगे इच्छाधारी नाग हैं, और ये हैं ये शेषनाग, इन्हीं के अवतार में जो है गुग्गा जी ने जन्म लिया था, और इनके जो है पूरे भारत में बहुत जगह जो है इनके स्थल बने हुए हैं। ये देख पा रहे हैं, ये है जटाशंकर आकाशगंगा, जैसे अभी नाम से ही परिचित हो रहा है कि जटाशंकर आकाशगंगा, यानी भोले शंकर के सिर से जो गंगा निकली हुई है, और गंगा मई आप देख पाएंगे अंदर जटाशंकर में भोले शंकर कैसे अंदर बैठे हुए हैं इस गुफा के अंदर आप देख सकते हैं। ये गुफा लगभग 10 फुट नीचे गहरी है, और इसके अंदर जाने के लिए आपको एक अंदर कमरा नामा बना हुआ है, जो हमने स्वयं खुद बनाया है, इसमें कोई भी मिस्त्री या किसी भी का वो काम नहीं किया किसी ने। अभी आप ये देखेंगे, ये भोले शंकर हैं यहाँ पर अपने जटाशंकर के अंदर मगन बैठे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर अमर कथा भी सुनाई थी, जो कि कबूतर ने सुनी थी, और बाद में जो है कबूतर भी अमर हो गया था। और ये जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये भोले की बहुत पसंदी चीज़ें हैं, जिनको भोले शंकर ने अपने श्रृंगार के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे अभी आप देख पाएंगे कि भोले शंकर को ये जो आप देखेंगे घोटा और ये जो है कुंडा,
ये इनको पसंद था और ये इनकी चिलम, इनका त्रिशूल, इनकी शक्ति, करमंडलू, खड़ौवा, शंख और ये आगे देखेंगे शक्ति और ये इनका जो है धनुष है। सबसे पहले शिव के धनुष को जो है राजा दक्ष ने तपस्या करने के बाद प्राप्त किया था और बाद में सीता स्वयंवर ने राम ने इस धनुष को तोड़ा था, तो ये भी शिव की शक्ति में ही था। तो भोले शंकर की आप बाहर से देखेंगे कि इनकी गंगा जो है इनकी जटा से कैसे निकली हुई है। अभी आपने अंदर भोले शंकर को देखा, उनकी अंदर जटा से जो है ये गंगा निकली हुई है और ये गंगा जो है आप आगे जाते जाते ये देखो सामने गंगा मैया की मटकी से बाहर आती है और यहाँ से इसका जो पानी है वो जो है सर्कुलेट होते रहता है गंगा की मटकी से बाहर आता है और ये है जटाशंकर आकाश गंगा का मंदिर। ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर बाबा बालकनाथ का ये स्थल मंदिर है और बाबा बालकनाथ की यहाँ पर जो गायें हैं और उनका जो मोर सवारी है और वो जंगल में घनी तपस्या में जो अभी हमारे आपने देखा होगा ये सातलाई में बाबा जी ने अपनी समाधि ली थी और वहाँ पर बाबा जी मगन रहे थे और पूजा करी थी। जो अपने बाबा बालकनाथ हैं वो जूनागढ़ से आए थे और जूनागढ़ में ही उनका जन्म हुआ था। जूनागढ़ में वहाँ पर गुरु दत्तात्रेय ने उनकी गुरु उन्होंने माना दत्तात्रेय को, लेकिन दत्तात्रेय जी ने बोला कि तुम बालक हो, अभी तुमको ये हम जो है दीक्षा नहीं देंगे, घर से अपनी आज्ञा लेकर आओ। तो छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माँ बाप से परमिशन लेकर के जूनागढ़ से वो भोले शंकर के दर्शन के लिए वो अपने शिरडी बिलासपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है सातलाई, वहाँ पर आए थे और जोड़ सिद्ध में वहाँ पर बाबा जी ने तपस्या की, लेकिन तपस्या के दौरान में वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रत्नो मैया, उन्होंने उनको एक बालक के रूप में देखा और उनको अपनी गायें चराने के लिए लगा दिया। और जब वो गायें चरा रहे थे तो एक दिन कारणवश जो अब भक्ति में लीन थे और उनकी गायों ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी और किसानों ने जाकर के माता से रिक्वेस्ट माता से विनती की कि आपके ग्वाले ने हमारी पूरी फसल को नुकसान कर दिया है। बाबा जो है वहाँ से उठे, जबकि माता ने बहुत ताने मारे कि आपने इतने साल मेरे जो है लस्सी और रोटियां खाई हैं तो आपने जो है ये हमारा जो किसानों का नुकसान कर दिया, वो ठीक नहीं है। लेकिन माता को मालूम नहीं था कि ये अंतर्याम ही है। उन्होंने माता जी को थोड़ी देर के बाद बोला कि आप जाओ देखो फसल को, आप देख सकते हैं। जब उन्होंने फसल देखी तो वैसे की वैसे ही थी। तो जब उन्होंने देखी और उन्होंने अपनी जो 12 महीने की रोटियां और जो सास भी थी वो उन्होंने यहाँ पर वापस कर दी कि आप ये रही, मैं आपकी ये रोटियां और जो रखी हैं ये आप देख सकते हैं और इसकी पूरी कहानी जो है इस लेख पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये है बाबा का धुना, यहाँ पर जब कभी बाबा के या कहीं माता के नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पर जो है हवन कुंड का भी किया जाता है और यहाँ पर हवन होता है। ये हैं बजरंगबली जो कि राम जी के पूरे भक्त रहे हैं, ये बजरंगबली हैं, इनकी आप मूर्ति को देख सकते हैं और यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं जो कि किस तरीके से इस मंदिर में उन्होंने अपने पर्वत को उठाया हुआ है। जब लक्ष्मण को एक शक्ति का चोट लगी थी तो उस टाइम का ये देखो उनका ये विराट रूप है और वो उन्होंने लेकर के अपने संजीवनी बूटी को जो लेकर आए थे तो उन दिनों का ये जो है फोटो बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 1962 में हमारे ताया जी जो ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे उन्होंने इस मंदिर के छोटे से मंदिर में यहाँ पर दो मूर्तियाँ रखी थी 1962 में और उसके बाद उन्होंने हमारे चाचा जी जो अमर सिंह थे उन्होंने इस बरामदे का निर्माण किया और फिर ये धीरे धीरे हम दोनों भाइयों ने मिलकर इस मंदिर के जो नीचे आप भव्य देख रहे हैं सभी देवताओं का वहाँ पर वास हुआ है। ये हमने कड़ी मेहनत रात दिन लगा करके तकरीबन कोई 10 साल से ऊपर हो गए हैं, यानी 15 साल के करीब समय हो गया इसको हमने जो है धीरे धीरे डेवलप किया था और अभी आप देख पा रहे हैं।
और ये लास्ट में अभी आप देखेंगे तो ये जो सनी सिंगनापुर के सनी महाराज हैं उनका ये मंदिर है। और इस मंदिर को अंत में इसलिए बनाया है क्योंकि सनी सिंगनापुर में सनी की इतनी कृपा है कि वहाँ पर लोगों के घरों में कोई भी दरवाजे में ताला नहीं होता है। तो ताला नहीं होता है मतलब सनी उनकी खुद रखवाली करते हैं और सनी के दर्शन जो है अंत में किए जाते हैं। और जब सनी के दर्शन करते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं क्योंकि इनकी आंखों में पट्टी बांधी होती है, इनके साथ हम सीधी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। इसलिए अभी आप देखेंगे कि सनी सिंगनापुर में भी ऐसे ही सनी की एक प्रतिमा बनी हुई है, उसमें भी ऐसे पट्टी बांधी हुई है। तो अभी मेरी भक्तगणों से सभी से अनुरोध है कि इस लहरधार मंदिर में अपने सर्व परिवार सहित आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। और मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तगण, सभी भारत विकसित हो और भारत में हमेशा शांति बनी रहे और भारत दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और लोगों के अंदर सद्भावना बनी रहे और हमारा सनातन धर्म भी हमेशा के लिए जागरूक रहे और सनातन धर्म की जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे पास दोबारा आ जाएं, जो हमारे त्रेता द्वापर सतयुग में थे उनकी प्रवृत्ति में हमारे अंदर दोबारा जागृत हो। हमारे मंदिर में बनाने का मकसद है कि जब मंदिर धर्म आगे बढ़ता है तो जो हमारे अंदर अगुण होते हैं वो दूर होते हैं और हमारे पास संस्कार आकर के हम अच्छे गुणों का और अच्छी जो हमारी रामायण महाभारत शिव पुराण और भी कई जगह अच्छे अच्छे ग्रंथों में जो अच्छी बातें लिखी हैं उनकी हमने जो है अध्ययन करने के बाद एक अच्छे मार्ग पर चलने की हमारे को राह मिलती है। आज हमारा देश, अब मैं भी देखा होगा कि हमारे जो सनातन धर्म के ऊपर बहुत सी त्रुटियाँ आ रखी हैं, बहुत से लोगों बहुत से धर्मों का अंदर हमारे हिंदू धर्म में विलय हुआ है। मैं भारतवासियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप सनातन को माने। और आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हमारे 500 साल तक हमारे भारत में श्री राम के मंदिर के लिए भी कितनी लोगों ने कड़ी तपस्या करने के बाद श्री अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। और ऐसे ही अगर हम अपने धर्म के ऊपर नहीं जोर दवाएंगे, नहीं अपने अनुसरण करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ को ये पता ही नहीं होगा कि हमारा सनातन धर्म क्या था, संस्कार क्या हैं और कैसे हमने आगे चलना है। तो सभी भारतवासियों से अनुरोध रहेगा कि अपने हिंदू धर्म की तरफ जिनके संस्कार हैं उनको लें, आगे बढ़ें और दिन दुगनी रात चौगुनी भारत उन्नति करें। हमारी सभी देवताओं से यही प्रार्थना है। भक्तों, जय माता दी, जय शंकर की, जय सिया राम, जय भोले शंकर। इस जगह की थोड़ी लोकेशन के बारे में अगर आप बता दें तो। ये लोकेशन ग्राम पंचायत बदेड़, जो पालमपुर से 5 किलोमीटर दूर, राजपुर के 1 किलोमीटर अंदर, ये गांव बदेड़ में पड़ता है। और इस ये मंदिर आज से 10 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी ये आप लोगों के माध्यम से जो हमारे ये रिपोर्टर या हमारे यूट्यूब के जो चैनल बनाने वाले हैं उन लोगों के माध्यम से थोड़ी बहुत इसमें रोशनी आई है। और मैं जो आए हैं प्रिंसिपल महोदय जी, मैं इनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे और ज़्यादा इसका वो करें ताकि लोगों के अंदर इस धर्म के प्रति और इस मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़े और लोग आएं। मैं आपको, आपने भी देखा होगा, सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में पूरे भारत में घूम लो लेकिन इस मंदिर में कोई भी दान पात्र नहीं है। भगवान देता है और वो क्षमता रखता है। आप जिस तय दिल से आओ और अपनी पूजा करो और आपकी भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा।